न्यूज इंडिया 27 नव्या पिढीचं नवं माध्यम। 22 जानेवारीला अयोध्येत रामलल्ला विराजमान होणार असल्यानं हा दिवस सर्वत्र मोठ्या उत्साहात आणि जल्लोषात साजरा करण्यात आलाय। अखंड हिंदुस्थानाला गर्व वाटेल असा दिवस अयोध्येत पार पडलाय। साक्षात या पावनभूमीवर प्रभू श्रीराम यांचं 75 वर्षानंतर आगमन होऊन ते राम जन्मभूमी अयोध्येत विराजमान झाले। नाशिकच्या हनुमान मंदिर कोणार्क नगर येथे भव्य अशी रॅली काढण्यात आली होती। यामध्ये महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या। महिलांनी डोक्यावर कलश घेतले होते। ही यात्रा सायंकाळी 5 वाजेला सुरुवात करण्यात आली। संपूर्ण परिसरात फिरून ही यात्रा देवी मंदिरात सांगता करण्यात आली आहे। त्रिवेणी महिला मंडळ सविता सिंह, ज्योती जयस्वाल, मनोरमा पाटील, वंदना सिंह, माधुरी सिंह, शालिनी सिंह, कविता सिंह, कविता चौधरी आदींसह महिला उपस्थित होत्या। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज हम सभी महिलाओं ने मिलकर कलश यात्रा प्रारंभ किया, जो कि मारुति मंदिर से हम लोगों ने शुरू किया और अपने कोणार्क नगर, वृंदावन नगर, सप्तशृंगी माता के मंदिर में आके कलश यात्रा हमारा संपन्न हुआ। सभी माताओं बहनों ने बहुत भारी मात्रा में सहयोग दिया। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। रेडी के बाद आज हमारे राम जी को उनका घर मिला है। आज हम लोग इतनी खुशियां मना रहे हैं जैसे हम दिवाली मनाना चाहते हैं। हमें हमारा हम हनुमान जी नहीं है कि अपना दिल खोल के हम दिखा सके कि हमें कितनी खुशी है। हम नासिक में रहते हुए हम अयोध्या पहुंचना चाहते हैं। जय श्री राम। न्यूज इंडिया मराठी साठी गणेश दिवाड़े सह अश्विनी पुरी, नाशिक।